नमस्ते जी, आज मैं लेके आई हूँ ये गोभी का पराठा रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही सिंपल तरीके से बना है, एकदम नई तरीके से। ये देखिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी बने हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे गोभी लिया है, साथ ही हमने यहाँ पे प्याज लिया है, जो मैंने उसको चॉप कट कर लिया है, अदरक लिया है, लहसुन, और ये मैंने हरी मिर्च लिया है। इसमें एक बड़ी हरी मिर्च काटी है तो ज़्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख लिया है, अभी हम इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड कर देंगे 3 चम्मच, ज़्यादा ऑयल नहीं ले रही हूँ मैं। गरम हो गया है, अभी हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच, इसको गोल्डन फ्राई होने दें। तो ये देखिए, अभी मैं इसमें अपनी गोभी ऐड कर दूँगी, जो मैंने कद्दूकस करके रखा था। साथ ही मैंने यहाँ पर प्याज, अदरक, लहसुन, इनको अच्छे से मिक्स कर दें। ऐसे ये भूनने से इसका सारा पानी सूख जाता है। तो गैस को मैंने यहाँ पे मीडियम रखा था, तो यहाँ पे मैंने अभी हल्दी डाल दिया है 1/2 चम्मच। 1 चम्मच मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ, और 1 चम्मच ही मैं यहाँ पे धनिया पाउडर ले रही हूँ, और 1/3 मैंने यहाँ पे गरम मसाला लिया है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। ऐसे बनाने से जो आपका पराठा है बिल्कुल भी फटता नहीं है, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अभी मैं यहाँ पर हरी मिर्च ऐड कर दूँगी, तो देखिए अच्छे से मिक्स कर लें इसको। आप एक बार ज़रूर ऐसे ट्राई करना, बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है। तो मैं यहाँ 5 मिनट तक इसको पका रही हूँ। तो ये देखिए रेडी हो गया है हमारा। तो मैंने इसको एक बर्तन में निकाल लिया है, ये देखिए थोड़ा ठंडा होने दें। मैंने यहाँ पे आटा गूंद के रखा था, आटा आपको एकदम ढीला गूंदना है, ये देखिए इस तरीके से। तो मैं ये अभी इसकी लोई बना देती हूँ, ये देखिए इस तरीके से। आप बेलन से भी इसको साइडों से पतला करें और बीच में मोटा रखें, अगर हाथ से नहीं कर पाते हो तो। मैं यहाँ पे चम्मच से स्टफिंग कर रही हूँ, तो मैं थंब से दबाती जा रही हूँ और इसको बंद भी करती जा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छे से बन जाता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। कई लोगों को झंझट लगता है बनाने में, इस तरीके से बनाओगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। ध्यान रखें बस आटे को गीला रखें, और ये जो हमने गोभी फ्राई किए और आसानी से इसमें ये फिल हो जाती है, तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ता है गोभी हमारा, और बहुत ही अच्छे से बनता है। अगर आपको कहीं पर लगे कि मसाला दिख रहा है, निकल रहा है, तो वहाँ पे आप आटा डालें सूखा और फिर बेलें। और यहाँ पे बेलते टाइम एक चीज़ ध्यान रखनी है, बिल्कुल हल्के हाथों से ही हमें बेलना है। तो ये देखिए रेडी हो गया है, अभी हम इसको तवे पे डाल देते हैं। ये देखिए बहुत ही कम समय में बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर अभी घी लगा दूँगी, आप कुछ भी लगा सकते हो, ऑयल, घी। तो ये देखिए गैस को यहाँ पे आपको हाई रखना है, क्योंकि हम लो पे बनाते हैं तो उतना अच्छे से नहीं पक पाता है। तो मैं यहाँ पे गैस को हाई रखा है, पकने के बाद आप गैस को धीमा कर सकते हो। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, ये देखिए, और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो हम इसको ऐसे बार बार पलटेंगे तो ये क्रिस्पी बनेगा, और साथ में अंदर से बहुत अच्छे से पकेगा भी। तो मैं अभी इसको निकाल लूँगी, ये देखिए लग रहा है ना, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही टेस्टी है। तो इस तरीके से मैं और पराठों को भी बना के रख लूँगी। तो ये बहुत ही जल्दी बन के रेडी होते हैं, आप एक बार ज़रूर इस तरीके से बनाएं। तो मैं अभी इस पे मक्खन लगाऊँगी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप इसको अचार के साथ या फिर दही के साथ आप खा सकते हो, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए हमारा पराठा बन के रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छा बना है और बहुत ही टेस्टी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।